गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर वेल डियर स्टूडेंट्स वी आर डूइंग यूनिट थ्री एंड टूडे आई विल डिस्कस सेक्शन एफ पोएम द थ्री रूल्स ठीक है रेड यूर सेल्फ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू उसके बाद आप इसे रीड करेंगे घर में ठीक है थ्री रूल रूल मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है नियम की बात हो रही है कि तीन नियम कौन से जिसके थ्रू कोई भी इंसान रूल करता है व इज द आयरन रूल सो जो आयरन रूल है आयरन उसको बोलते हैं लोहे को जो लोह का जो नियम है वो क्या बोलता है द रूल और सेविज मैन इफ ई विल इज डन अंड टू यू ई विल डू दो अगेन दिस इज़ द आयरन रूल तो रूल होता है किसका इसका सैफे जाने की जो खतरनाक जंगली टाइप के लोग होते हैं ठीक है थे? उनका नियम क्या है रूल करने का किसी के ऊपर अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप क्या करेंगे उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे ठीक है ईविल का मतलब होता है शैतानी व्यवहार इफ़ ई विल इज डन आन टू यू अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो ई विल टू दो अगेन उसके साथ आप गलत करें तो ये कौन सा रूल है आयरन रूल ये इसको हम क्या बोलते हैं आयरन रूल है Iron rule. का नियम नेक्स्ट इज वट इज द सिल्वर रूल तो सिल्वर नियम क्या है किसी पर किसी के साथ बिहेव करने का द रूल ऑफ वर्ल्डली मैन ये जो नियम है वो कौन सा नियम है जो संसारिक व्यक्ति जो लोग होते हैं वो अपनाते हैं इफ़ गुड योर नेबर डस टू यू डू गुड टू हिम अगेन दिस इज़ दिल्वर रूल अगर आपका कोई पड़ोसी आपके साथ अच्छा करता है तो डू गुड टू हीम अगेन तो उसके साथ हम क्या करेंगे वैसा ही व्यवहार करेंगे यानी कि उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे तो ये कौन सा रूल है हमारा इसको बोलते हैं सिल्वर रूल ओके okay. किन कौन अपनाते हैं ये जो वर्ल्डली मैन होते हैं मीन संसारिक व्यक्ति होते हैं वो इस रूल को अपनाते हैं कि हमारा नेबर अगर हमारा अच्छा कर व्यवहार कर रहा है तो हम भी उसके अच्छा व्यवहार करेंगे लेकिन जो सेविज मैन है जो जंगली होते हैं ख़तरनाक टाइप से रूल करना चाहते हैं वो कौन सा रूल अपनाते हैं कि अगर कोई हमारे गलत करता है तो हम उसका गलती करेंगे नाउ वट इज़ द गोल्डन रूल गोल्डन so, रूल क्या है नियम क्या है क्या है वो द रूल ऑफ राइटियस मैन इफ ई विल इज डन अंडू यू रिटर्न दो गुड अगेन दिस इज द गोल्डन रूल सो ये राइटियस ये जो सही व्यक्ति होते हैं ठीक है वो इस नियम को अपनाते हैं ठीक है अगर ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि इफ़ ई विल इज़ डन अन टू यू अगर कोई आपके साथ गलत करता है बट आपको उस रिटर्न में आप उसके साथ क्या करेंगे अच्छा करेंगे तो ये कौन सा रूल होता है गोल्डन रूल ठीक है तो यहाँ पर हमने थ्री रूल्स पढ़े हैं जिसमें कि फर्स्ट पूछा था कि आयरन रूल कौन सा है आयरन रूल में क्या होगा अगर कोई सेवेज मैन के साथ जो शासन करते हैं लोग ठीक है वो रूल अपनाते हैं गलत इंसान अगर उनका कोई गलत व्यवहार करेगा तो उनका हाथ गलत ही व्यवहार करेंगे तो ये है हमारा कौन सा रूल जो बताया जा रहा है इसमें आयरन रूल बट सिल्वर रूल क्या है ये वर्ल्डी मैन का रूल होता है संसारिक लोगों का रूल होता है इसमें कि अगर आपका नेवर आपका अच्छा व्यवहार करता है ठीक है कोई भी तो आप उसका अच्छा व्यवहार ही करेंगे तो इस ये रूल कौन सा है सिल्वर रूल गोल्डन रूल क्या है ये किसका होता है राइटियस मैन का जो सही व्यक्ति होते हैं ठीक जैसे है जैसे यहाँ पे महात्मा बुद्ध दिखाए गए हैं तो ये कैसा है अगर आपके साथ कोई गलत करता है ठीक है तो बट आप उसका हाथ कैसा व्यवहार करोगे अच्छा व्यवहार करोगे तो ये कौन सा है गोल्डन रूल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध है उनको मारने के लिए कोई आ रहा है बट उनके हाथ वो अच्छा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा रिटर्न में अच्छा ही उनको वापस मिलेगी। सो डियर स्टूडेंट आई एम गोइंग टू रीड दिस फोर वन मोर टाइम वट वील डू यू विल विड इट आप इसे एक बार घर में पढ़ेंगे ठीक है वट इज द आयरन रूल द रूल ऑफ सेविच मैन इफ ई इज डन Unto you he will do though again. This is the iron rule. And what is the silver rule? The rule of worldly man. If good your neighbour does to you, do good to him again. This is the silver rule. What is the golden rule? The rule of righteous man. If evil is done unto you, return though good again. This is the golden rule. So, dear student, now I will dis discuss the hard word of section E and F. And these are the hard words that you will write in your English notebook. The first word is surprised. As u r p r i s e d surprised next is priest p r i e s t priest third one is strength s t r e n g t h strength s t r e n g t h strength number 4 is brightly b r i g h t l y Brightly B R I G H T L by Brightly. Fifth is Nurst and you are and are Narced Sixth is Savage S A V A GE Savage S A V A GE Savage Number seven. Wordly. W. O. R. L. D. L. Y. Wordly. Next is Righteous. R. I G H T E O U S righteous. I'm going to read it one more time surprise s-u-r-p-r-i-s-e-d surprise and priest p-r-i-e-s-t priest number three is strength s-t-r-e-n-g-t -E strength number four is brightly p-r-i-g-h-t-l-y brightly next is nursed N -U -R -S -E -D, n-u-r-s-e-d nursed 60s 60s savage s-e-

That's all for the day. Tomorrow we will take the next topic. Thank you and have a nice day.